हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में कि मेटल्स जो होते हैं वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, और नॉन मेटल्स भी अगर उसके साथ रिएक्ट करें तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहली प्रॉपर्टी से, जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। अगर हम किसी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या होता है, और अगर हम नॉन मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करेंगे तो क्या होता है। जैसा कि हमें पता है कि जब भी, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो कि रिएक्शन ऑफ जब भी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा, जब भी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो हमें पता है कि ये मेटल ऑक्साइड देगा। और मेटल जो होते हैं वो कैसी ऑक्साइड बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो ध्यान रखना है कि जब भी मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो इट गिव्स बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। और जब भी नॉन मेटल का रिएक्शन जो होगा, नॉन मेटल का रिएक्शन जब भी ऑक्सीजन के साथ होगा तो ये या तो क्या देगी, या तो न्यूट्रल ऑक्साइड देगी या फिर एसिडिक ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं किस तरह से एग्जाम्पल की फॉर्म में। तो चलिए देखिए, जैसे हमने बात की सोडियम के बारे में। जैसे सोडियम है हमारे पास, ठीक है, सोडियम हमारे पास है तो हमने यहाँ पे लिखा Na+O2। सोडियम का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया, सोडियम एक मेटल है तो इसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराया तो ये हमें देगा Na2O। Na2O इसे हम बोलते हैं सोडियम ऑक्साइड। क्या दे रहा है हमें, सोडियम ऑक्साइड दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस कंडीशन है, देखिए यहाँ पे दो सोडियम है, यहाँ पे एक है, तो इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो दो से मल्टीप्लाई की, दो ऑक्सीजन हो गए और सोडियम चार हो गए, तो इस केस में बैलेंस होगी। क्लियर हुआ? तो ये जो Na2O है ये बेसिक ऑक्साइड है, ठीक है। इसे जिंक की अगर हम बात करें कि यहाँ पे Zn+O2 तो ये क्या देगा हमें, ZnO, तो बैलेंस है, नहीं है, यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, दो ये दो जिंक आ गए तो ये बैलेंस है, तो ये जिंक ऑक्साइड बनी, यहाँ पे क्या बन गई, जिंक ऑक्साइड। ये भी क्या होगी, बेसिक ऑक्साइड होगी। एक चीज और की, जैसे यहाँ पे हमने बात करी जिंक के बारे में, तो कुछ मेटल की ऑक्साइड ऐसी होती हैं, कुछ मेटल की ऑक्साइड, देखो मैंने पहले क्या कहा कि जो मेटल की ऑक्साइड है वो बेसिक नेचर की होंगी, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हमारे पास ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। कुछ मेटल की ऑक्साइड ऐसी होती हैं जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करती हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करती हैं। क्या बोला मैंने, कुछ मेटल की ऑक्साइड्स ऐसी भी होती हैं जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करती हैं और बेसिडिक बिहेवियर भी शो करती हैं। जैसे कि ZnO है, ZnO हमारे पास बेसिक बिहेवियर भी शो करता है और एसिडिक बिहेवियर भी शो करता है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि मेटल ऑक्साइड्स विच शोज बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ठीक है। एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो हम बोल सकते हैं ZnO जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, Al2O3 एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मतलब ये मेटल की ऑक्साइड ऐसी हैं जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करती हैं, सॉरी, हाँ, एसिडिक भी और बेसिक बिहेवियर भी शो करती है, तो इन ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं नॉन मेटल के साथ कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या कैसे बनाता है। तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि नॉन मेटल एसिडिक ऑक्साइड भी देता है और न्यूट्रल ऑक्साइड भी देता है। अब अगर हम बात करें एसिडिक कब देगा, तो एसिडिक ऑक्साइड के केस में हम बोल सकते हैं कि जैसे कार्बन है, कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये CO2 देगा, तो ये कैसी ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है। और अगर इस CO2 का रिएक्शन अगर हम फर्दर H2O के साथ कराते हैं तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ क्या देता है, ये H2CO3 देता है, ठीक है, ये एक एसिड है H2CO3। अच्छा, H2CO3 के बारे में एक खास बात, H2CO3 एकलौता ऐसा मिनरल एसिड है जो कि एक वीक होता है। अदरवाइज हमने सुना है कि जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सारे क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, लेकिन H2CO3 एकलौता ऐसा मिनरल एसिड है जो कि वीक होता है। जैसे अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो ये SO2 देगा, ये भी क्या है, एक एसिडिक ऑक्साइड है, ध्यान रखना है। और अगर इस सल्फर को भी अगर हम फर्दर H2O के साथ रिएक्ट कराएं तो ये हमें देता है H2SO3, इसे हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरस एसिड। क्लियर हुआ? अगर हम बात करें न्यूट्रल ऑक्साइड कब देगा, तो न्यूट्रल ऑक्साइड कब देगा, जैसे हमने बात करी 2H2+O2, बैलेंस लिख रहा हूं यहाँ पे, तो ये हमें देगा 2H2O, तो वाटर क्या है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, तो ये हमारे पास मिला न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जाम्पल।
तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बेसिक ऑक्साइड देगा, लेकिन कुछ ऑक्साइड हमें ऐसी मिलती हैं जो बेसिक नेचर की तो होती हैं, साथ ही साथ एसिडिक नेचर भी शो करती हैं, तो उन ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब मेटल ऑक्साइड्स विच शोज बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर, उसी को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल हो जाएगा जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और अगर नॉन मेटल मेटल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो न्यूट्रल ऑक्साइड भी देता है और एसिडिक ऑक्साइड भी देता है, और हमने डिस्कस कर लिया है कि वो कैसे देगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम सेकेंड अपने सेकेंड रिएक्शन की, जो कि है मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। अगर मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट होगी तो क्या मिलता है हमें, तो जब भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले, जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हमें देता है मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अच्छा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेंगे, तो उन्हें हमें किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ता है, स्टीम के साथ। किसके साथ रिएक्ट कराना पड़ता है, स्टीम के साथ। तो मेटल प्लस स्टीम जो है वो हमें देता है मेटल ऑक्साइड प्लस H2, प्लस H2, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। सोडियम पोटेशियम क्या होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ भी, और फटाफट मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। जैसे सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम H2O के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमें देगा NaOH प्लस H2, और बहुत सारी हीट क्या मिलेगी, हीट मिलती है हमें। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे, से ये 2 हो जाएगा, ये 2 और यहाँ पे भी हमारे पास 2 लग जाएगा। ठीक है, ये बैलेंस कंडीशन होगी। पोटेशियम की बात करें, सेम कंडीशन हो जाएगी, 2K प्लस 2H2O गिव्स 2KOH प्लस H2 प्लस हीट। ठीक है, क्योंकि पोटेशियम भी क्या है, बहुत रिएक्टिव एलिमेंट पे काउंट होता है, तो ये कोल्ड वाटर के साथ भी इजिली रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जिंक वगैरह की या आयरन वगैरह की, ठीक है, तो जिंक हो गया, आयरन हो गया, तो जिंक और आयरन क्या करते हैं, ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो इन्हें हमें रिएक्ट कराना पड़ता है स्टीम के साथ। तो स्टीम हम लोगों को पता है क्या होती है, गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर होती है। अगर हम वाटर को बॉयल करना शुरू कर दें तो जो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है जब वाटर, उसी को हम बोलते हैं स्टीम। बहुत डेंजरस होती है, बहुत ज्यादा हॉट होती है। तो जिंक को अगर हम स्टीम के साथ रिएक्ट कराएं, मतलब गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, तो ये देता है हमें जिंक ऑक्साइड प्लस H2, क्योंकि स्टीम के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ऑक्साइड मिलती है, और वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हाइड्रोक्साइड। तो स्टीम मतलब गैसियस फॉर्म में होगा, इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी। तो ये हमें देगा Fe3O4 प्लस 4H2, इसे हम बोलते हैं फेरोफेरिक ऑक्साइड। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, तो जो कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, जैसे सोडियम पोटेशियम, तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते तो हमें उन्हें स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो स्टीम के साथ जब रिएक्ट कराएंगे तो हमें मेटल ऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं, जरूर। अब हम बात करते हैं नॉन मेटल के बारे में, तो ध्यान रखना है जो नॉन मेटल होते हैं वो ना तो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और ना ही स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होती। अब रिएक्शन नहीं होती तो कारण भी तो होगा कुछ ना कुछ, क्यों रिएक्शन नहीं होती। रिएक्शन इसलिए नहीं होती क्योंकि वाटर को चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन जो होता है वाटर में, जो हाइड्रोजन आयन होगा H+ आयन, उसे क्या चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और ये नॉन मेटल तो इलेक्ट्रॉन लेता है, देता थोड़ा ना है। तो हम लिखेंगे बिकॉज नॉन मेटल कैन नॉट गिव इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन आयन ऑफ वाटर। तो ये ध्यान रखना है कि जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन नहीं देता है हाइड्रोजन आयन को वाटर के, तो इस वजह से रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होती। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। अगर डाइल्यूट एसिड की बात करें तो उस केस में क्या रिएक्शन होता है, तो रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। देखिए जनरली क्या होता है कि जब भी किसी मेटल का रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं, ठीक है, जब भी किसी मेटल का रिएक्शन हम डाइल्यूट एसिड के साथ कराएंगे तो मेटल क्या करता है, उस एसिड के हाइड्रोजन को निकाल देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है, तो वो बना देता है मेटल सॉल्ट प्लस H2। ठीक है, H2 को रिमूव कर देता है एसिड में से।
अब हमारे पास कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो डिस्प्लेस कर देते हैं हाइड्रोजन गैस को एसिड में से, लेकिन कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, जो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, तो वो एबल ही नहीं हो पाते कि वो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर पाए, ठीक है। लेकिन जैसे सोडियम वगैरह है, सोडियम वगैरह क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इनका रिएक्शन अगर हम HCl के साथ कराएं, डाइल्यूट HCl के साथ, तो ये क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं और खुद आ जाते हैं वहां पे NaCl प्लस H2, तो बैलेंस कर लेंगे तो 2HCl हो गया, ठीक है, ये बैलेंस कंडीशन होगी। ऐसे ही अगर मैग्नीशियम की बात करें तो ये HCl डाइल्यूट है, ओके, तो ये मैग्नीशियम क्या करेगा, एसिड में से हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व कर देगा, हटा देगा, तो ये हो जाएगा MgCl2 + H2, इसे बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा 2HCl, बैलेंस हो गया, ठीक है। लेकिन जो जिंक है वो थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, तो जिंक जो है वो थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, तो यहाँ बैलेंस कंडीशन लिख देता हूँ मैं, ZnCl2 + H2, जिंक ने क्या किया, हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया, लेकिन ये रिएक्शन क्या होता है, बहुत स्लोली होता है, और ये रिएक्शन क्या होते हैं, बहुत फास्ट होते हैं, वाइग्रसली होते हैं, तेजी से। और अगर बात करें आयरन के साथ, तो आयरन और ज्यादा स्लो होता है, वेरी स्लो, ठीक है। आयरन जो होता है वो HCl में से हाइड्रोजन गैस बहुत धीरे धीरे निकालता है, ठीक है, क्योंकि लेस रिएक्टिव होता है। लेकिन अगर कॉपर की बात करें, कॉपर हो गया या गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, इनका रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट एसिड के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन हो ही नहीं पाता है, क्यों, क्योंकि ये क्या है, लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं, तो ये एबल ही नहीं होते कि एसिड में से हाइड्रोजन गैस को निकाल पाए, ध्यान रखना है। अच्छा, हमने यहाँ पे एसिड क्या लिया है, एक चीज नोट की, हमने यहाँ पे सिर्फ एसिड जो है वो HCl लिया है, हमने डाइल्यूट HNO3 क्यों नहीं लिया, डाइल्यूट HNO3 हमने क्यों नहीं लिया है, इसका भी एक कारण है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि डाइल्यूट, जब भी हम मेटल का रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ, तो हम डाइल्यूट HCl ही यूज करते हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हम यूज नहीं करते, क्यों, क्योंकि डाइल्यूट HNO3 जो है, HNO3 क्या है, HNO3 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HNO3 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो HNO3 क्या करता है कि जो H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है ना, इसे वो ऑक्सीडाइज कर देता है और H2O में कन्वर्ट कर देता है, जो H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है इसे वो ऑक्सीडाइज करने के बाद वाटर में प्रोड्यूस कर देता है, तो इस वजह से हमें हाइड्रोजन गैस मिल ही नहीं पाती है, ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसलिए हम डाइल्यूट HNO3 को यूज नहीं करते हैं। तो आई थिंक कितना क्लियर हो गया होगा कि HNO3 को यूज क्यों नहीं करते, बिकॉज या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वेर अ मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3 HCl गैस इज H2 गैस हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, क्यों, क्योंकि वेन एवर द HNO बिकॉज HNO3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेज द H2 गैस इवॉल्व टू फॉर्म वॉटर, दैट्स वाई H2 गैस इज नॉट इवॉल्व वेन मेटल रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3, तो ये इसका रीजन है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करें नॉन मेटल के केस में, तो नॉन मेटल में भी सेम केस होता है कि सॉरी जो पहले वाला केस था इसका, कि नॉन मेटल जो होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, कारण यह है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो एक्सेप्टर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, वो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसलिए वो जो H+ आयन हमारे पास है, जो हमें एसिड में से H+ आयन मिला है, उस H+ आयन को H2 गैस में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, क्योंकि वो खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, वो इलेक्ट्रॉन डोनर थोड़ा ना है, उन्हें खुद इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो कहां से H+ को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे, तो इस वजह से H2 गैस इवॉल्व नहीं होती, तो ये रिएक्शन नहीं होता है। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है कि जब भी कोई मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी कोई मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो मेटल क्लोराइड बनाएगा, क्या बनाएगा, मेटल क्लोराइड, और ये मेटल क्लोराइड हमेशा आयोनिक फॉर्म में होगी, क्लियर हुआ। एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल हमने लिया Na+Cl2, तो ये देगा NaCl, तो बैलेंस कर लेंगे इसको, ये बैलेंस होगी, ठीक है। जैसे CaCl2, तो ये देगा CaCl2, जैसे MgCl2, तो ये देगा MgCl2, तो सिंपल है कि रिएक्शन विद क्लोरीन मेटल क्लोराइड बन जाएगा। लेकिन जब नॉन मेटल की हम बात करेंगे, नॉन मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, तो नॉन मेटल जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो वो कोवलेंट क्लोराइड देता है, क्या देता है, कोवलेंट क्लोराइड। जैसे मेटल करेगा तो वो आयोनिक क्लोराइड देता है, लेकिन अगर नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, कोवलेंट क्लोराइड देगा। कोवलेंट क्लोराइड की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, और ये यूजुअली लिक्विड होते हैं या फिर गैस होते हैं। तो जैसे H2 की बात करें, नॉन मेटल Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये देगा 2HCl, ये एक कोवलेंट क्लोराइड है, क्या है, कोवलेंट क्लोराइड है। जैसे
P4 की अगर बात करें, ठीक है, ये 6Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा, बैलेंस कंडीशन है तो 4PaCl दे देता है, ये भी एक कोवेलेंट क्लोराइड है। तो ध्यान रखना है, जब भी कोई मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो आयोनिक क्लोराइड देगा, और जब भी कोई नॉन मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कोवेलेंट क्लोराइड देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिएक्शन विद हाइड्रोजन, जब भी कोई हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा। वैसे तो जनरली ये देखा जाता है कि बहुत सारे मेटल्स ऐसे हैं जो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स जो हैं वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन कुछ बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो ये हमें मेटल हाइड्राइड देते हैं। क्या देते हैं? मेटल हाइड्राइड। जैसे सोडियम है, ये अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमें देता है सोडियम हाइड्राइड, इसे हम बोलते हैं मेटल हाइड्राइड। जैसे कैल्शियम है, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हमें देता है कैल्शियम हाइड्राइड, जो कि एक मेटल हाइड्राइड है। क्या है? मेटल हाइड्राइड है। और जब भी कोई नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो कोवेलेंट हाइड्राइड देगा, जैसे सल्फर है, सल्फर H2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ये देगा H2S, ये कोवेलेंट हाइड्राइड है। जैसे N2 है, अगर ये रिएक्ट करेगा H2 के साथ, 3H2 के साथ होता है तो 2NH3 देता है, ये भी क्या है? कोवेलेंट हाइड्राइड है। एक तरह से टॉपिक थोड़ा बोरिंग होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे सिर्फ हमें मेमोराइज करना है कि कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट कि अगर हम किसी मेटल का रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ करें, तो एग्जांपल के तौर पर पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें NaBr, क्या है, यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, 2NaBr+Cl2, तो ये क्या देगा। तो जैसे ये सॉल्ट सॉल्यूशन है हमारे पास, NaBr क्या है? सॉल्ट, तो ये हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन है, इसका रिएक्शन हम क्या कर रहे हैं, सॉरी ये नॉन मेटल है ना, क्लोरीन तो नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल का हो गया, ये एग्जाम्पल इसका है, और मेटल का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। जैसे मेटल के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, तो ये मैंने लिया Fe और ये लिया CuSO4, तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन है। तो जब भी कोई मेटल किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके एक्वस सॉल्यूशन से। तो आयरन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को उसके एक्वस सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा और FeSO4 बना लेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। सिमिलर केस क्या होता है, सिमिलर केस होता है नॉन मेटल में, कि अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल क्लोरीन जो है वो ब्रोमाइन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, तो ये बना देगा ट्वाइस ऑफ NaCl+Br2। तो ध्यान रखना है जब भी कोई सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो, तो हाईली रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल लेस रिएक्टिव मेटल या नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से। तो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, कुछ प्रॉपर्टीज, सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज थी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, हमने इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा।